वेलकम बैक फ्रेंड्स, डू दिस व्हेन योर कस्टमर सेज व्हाट यू चार्ज फॉर योर सर्विस। दोस्तों, अगर आपका क्लाइंट्स बगैर आपकी कुछ सुने आपसे सीधे पूछे कि आप अपने सर्विस के लिए कितना चार्ज करते हैं, तो आपको गुस्सा जरूर आता होगा या फिर थोड़ा ऑब्जेक्शन करने का मूड भी बनता होगा। पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको ऐसे कस्टमर को कैसे हैंडल करना है। आपको ये जानने की जरूरत है कि कस्टमर आपसे ऐसा क्यों पूछ रहा है। दरअसल ऐसे कस्टमर बेहद जल्दबाजी में होते हैं और आपसे बात करने के लिए 2 या 3 मिनट बाद ही आपसे पूछ बैठते हैं कि इसका प्राइस क्या है या फिर मेरा बजट तो बस इतना ही है। देखिए, ऐसे क्लाइंट्स को हैंडल करने का एक खास तरीका यह है कि उसे शुरू में ही अपने रेट मत खोलिए। अगर आपने अपने रेट को जल्दबाजी में खोल दिया तो समझो आपकी लुटिया डूबी। अगर नेगोशिएशन की शुरुआत में ही आपका क्लाइंट आपसे ये पूछे कि इसका प्राइस कितना है, तो आपको उल्टे क्वेश्चन को रीडायरेक्ट करना है कि आपकी एग्जैक्ट नीड क्या है। आप सर्विस या प्रोडक्ट को आखिर क्यों खरीदना चाहते हैं, या फिर आपको ये वर्ड कहना है, इट डिपेंड्स ऑन योर नीड्स। याद रखिए, आपको नेगोशिएशन को क्लाइंट के नीड के आसपास ही रखना है। आपको ये भी पूछना है कि आखिर आपका बजट क्या है, या फिर क्या आप सर्विस के लिए ठीक ठाक रकम खर्च भी कर पाएंगे या फिर नहीं। या फिर इन सब के बावजूद वो आपसे प्राइस पूछता रहे तो आप उन्हें एक प्राइस रेंज बताकर अपना एग्जैक्ट प्राइस मत खोलना। देखिए, छोटी सेल में बायर के पास हमेशा बार्गेनिंग पावर होती है क्योंकि उसके पास पैसा होता है। देखिए, सेल का एक बेहद इंपॉर्टेंट फंडा होता है कि बार्गेनिंग पावर आपके पास ही रहना चाहिए। यानी जिसके पास नेगोशिएशन पावर रहेगी वही ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी एडवाइस जरूर पसंद आई होगी और आप आगे भी ऐसे खास एडवाइस को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को आज के ही आज सब्सक्राइब जरूर कीजिए।